ये देखिए यहाँ से दवा मिलती है, मुफ्त में दवाएं हैं, फ्री मिलती हैं दवाइयाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अमृतसर ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं आज सुबह के 11 और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊँगा यार जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे शहर की जो BMC है, मतलब हमारे यहाँ का जो मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं आपको आज ले जाऊँगा। दोस्तों क्या होता है, हर सिटी में एक जिला अस्पताल होती है, लेकिन कहीं कहीं पे जिला अस्पताल के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज भी होता है, जहाँ पे कॉलेज प्लस जो मेडिकल का ट्रीटमेंट दोनों होता है ना। तो हम अपने वहीं पे ले चलेंगे आपको, मेडिकल हॉस्पिटल ले जाएंगे जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। और आगे के किसी ब्लॉग में मैं आपको जिला अस्पताल ही बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इस ब्लॉग में मैं आपको मेडिकल कॉलेज या मेडिकल हॉस्पिटल ले जाऊँगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारे यहाँ का मेडिकल हॉस्पिटल कितना बड़ा है, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, सारी चीज़ें आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। आई होप आपको मजा आएगा, तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए लास्ट तक ब्लॉग। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी हम हो गए हैं तैयार यार, चलते हैं अपने BMC हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ के मेडिकल का कॉलेज है, वहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए चलते हैं सागर मेडिकल कॉलेज। गाइस जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको आज अपने मेडिकल कॉलेज दिखाऊंगा, हमारे शहर का जो मेडिकल कॉलेज है वो दिखाऊंगा। तो देखिए बैक साइड में आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये मेडिकल कॉलेज की, ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है देखिए। तो गाइस यहाँ पे हर प्रकार के इलाज हो जाता है, जितनी प्रकार की बीमारी होती है सबका इलाज हो जाता है, वो लगभग फ्री होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पर लगभग फ्री इलाज हो जाता है और आपको जो दवाइयाँ वो ही फ्री मिल जाती है। तभी मैं बैक कैमरे से आपको इसका फ्रंट का बताऊंगा, फिर अंदर जाकर मैं आपको थोड़ा बड़ा और बता दूंगा, क्योंकि हर जगह वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो जहाँ पे अलाउ होगा तो मैं वहाँ का आपको क्लिप आपको करके बता दूंगा शूट करके। चलिए अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर जाकर हम आपको बताते हैं कहाँ पे क्या है मेडिकल कॉलेज में। चलिए चलते हैं अंदर। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से पर्चियाँ बनती हैं, ये देखिए पर्ची काउंटर, यहाँ से पर्चियाँ बनती है देखिए, यहाँ से आप पर्चियाँ बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ से दवा मिलती हैं, मुफ्त में दवाएँ हैं, फ्री मिलती हैं दवाइयाँ। ये जो लाइन लगे हैं ना, ये फ्री दवाई मिलती है यहाँ पर सबको। और ये जो सीढ़ियाँ बनी है यहाँ से आप जा सकते हो ऊपर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में, और यहाँ पे लिफ्ट बनी है तो लिफ्ट से भी आप जा सकते हो, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। ये देखिए कितनी भीड़ है, देखिए यहाँ फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, देखिए कितनी भीड़ है, फ्री दवाइयों में कितनी भीड़ है देखिए। यहाँ फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ पे जांच रिपोर्ट मिलती है, ब्लड की जांच। यहाँ से एक्सरा होता है, यहाँ से एक्सरा वगैरह करवाना तो यहाँ से हो जाता है एक्सरा। ये जो लाइन जा रही है ना, यहाँ पे ना वार्ड होते हैं, यहाँ पे पेशेंट भर्ती होते हैं। तो अगर हम यहाँ से सीधे जाते हैं ना तो यहाँ पे वार्ड मिल जाते हैं हमें। गाइस अब मैं यहाँ से आपको बताऊँगा यार कि ये बिल्डिंग ना कितनी बड़ी है, आपको दिखा देंगे यहाँ पर कितने वार्ड हैं, कितनी मंजिला ऊंची है बिल्डिंग। तो चलिए अब यहाँ से दिखाते हैं, ये सेंटर पॉइंट है इस बिल्डिंग का, यहाँ से देखिए आप, ये देखिए चार मंजिला ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे, देखिए चार मंजिला ऊंची बिल्डिंग है, ये सब बाड़ी वार्ड है, बाड़ी वार्ड है। तो गाइस जो पीछे दिख रहा है ना, ये सारे बाड़ी वार्ड हैं देखिए,
चारों तरफ है, बाढ़ है, हर प्रकार के इलाज होता है यहाँ पे। देखिए चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, चार मंजिला ऊंची ये बिल्डिंग है और ये जितने भी चीज दिख रहे हैं ना, ये सब बाढ़ दिख रहा है। चलिए बैक कैमरा से दिखाता हूँ आपको। ये पंपिंग स्टेशन है, यहाँ पे पानी आता है ना, पूरी अस्पताल के लिए पानी की सप्लाई होती है। देखिए पानी भी गिर रहा है यहाँ से, है ना। तो और ये देखो नीचे पाइपलाइन भी डली है, देखिए आपको दिख रही होगी ये पाइपलाइन, है ना। इनका अपना एक पंपिंग स्टेशन है जहाँ से पानी की सप्लाई होती है। ये देखिए तो पूरी जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर यहीं से पानी की सप्लाई होती है, इनकी पाइपलाइन है। देखिए कितनी बड़ी पाइपलाइन डली है, 24 घंटे यहाँ पानी की सुविधा होती है। देखिए गाइस, वीडियो बहुत बड़ा बन गया था यार, मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। आज आपने देख लिया पार्ट वन 1 मार्च को, और कल 2 मार्च को आप देखेंगे पार्ट टू। कल आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि मेडिकल कॉलेज में कहाँ कहाँ पे किस टाइप से कौन कौन से इलाज किए जाते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको कल दिखाऊंगा। कल के वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था, पार्ट वन बहुत बड़ा हो गया था यार, आपको मज़ा नहीं आता 15-20 मिनट का 30 मिनट का वीडियो देखने में, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके, बहुत ज़्यादा कटाई करके, बहुत छोटी क्लिप्स भी डाली है, तब भी बहुत बड़ा पार्ट बन गया, इसलिए मुझे 2 भागों में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो आज आपने पार्ट वन देख लिया है, कल आप देखिएगा पार्ट टू। तो कैसे आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइबर का, वो दबा लें। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे मेडिकल कॉलेज वाले पार्ट टू भाग में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस ये एंटी गेट है, देखिए एंटी गेट है और ये पार्किंग है यहाँ की, देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है।